रन स्कोर पर इस मुकाबले में है। और आज के दिन का मौसम देखें तो बहुत ही सही है। इस बार तालमेल में कमी मुकाबला खेला था इन्होंने। इस बार कोहली के रफ्तार में ये दूसरी फिनिशिंग आता हुआ इस मुकाबले में, दूसरी फिनिशिंग यही है सुपर बैक या गोल कीपर अगर फॉरवर्ड और जो भी पार्टिसिपेट करे। एक बहुत ही अच्छा गेम होगा, इंटरेस्टिंग गेम होगा रस्सा खींच में। चुनौती होगा इस मुकाबले में। जैसे 20 रुपए में खिलाड़ी एक बार फिर से पास अच्छा निकाला वहां पर दीपक मुर्मू। दो नंबर जर्सी देखना अपने साथी खिलाड़ी के लिए, यहाँ पर बेहतर तालमेल के साथ अच्छा गोल में सोचता हुआ, लेकिन डिफेंडर कमाल का वापिस से वहीं फ्लैग पर गेंद को निकाल। बहुत ही यहाँ पर सटीकता की जरूरत रहेगी फुसिल पार के लिए। एक बार फिर से डिबॉस के आसपास खतरा हो सकता है एक बार फिर से, लेकिन कमाल का इंतजार। एक बार फिर से अच्छा प्लेसमेंट बेहतरीन तरीके से अपने लिए के लिए वहां पर, और एक गलत पास था यहां पर, थोड़ी समझ बुझ की जरूरत रहेगी। 13 नंबर जर्सी जिस तरह से प्लेस कर रहे हैं खिलाड़ी किस जोन में कहां पर किस स्थिति में है। ये दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है सेकंड हाफ का। घड़ी बनाने की तरह फुटबॉल में सूक्ष्मता और सापा डिफेंडर एक बार तीसरे गोल के लिए, लेकिन वहां पर 11 नंबर जर्सी अपने क्षेत्र पर पाए सेकंड हाफ का, लेकिन बड़ा चैलेंज बनता हुआ यहाँ पर। क्या वापसी का मुकाबले में होता है तो तीसरा गोल दागने वाले खिलाड़ी के लिए 501 रुपया का इनाम दिया जाएगा इस मुकाबले में। और ये दिया जाएगा निश्चित तौर पर लोका दो रूपा माल तो 4 नंबर जैसे आला जैसे लनोया गोल लेना है एकदम तला टड्डी खोएगी सेकेंड गोल 13 नंबर जैसे स्टार फुटबॉलर अमिताभ परिया जिसके चलते सेम गया ग्राउंड जिसके चलते प्रोग्राम में बाबेल और रिया का ताकत तजमाव लगी ओकादो टीम को है सटे। आप सभी का हार्दिक नमस्कार, हार्दिक स्वागत है फाइनल डे में। लेकिन पहले ब्रेक से एक बार फिर से आकर मन तेज करते हुए इस समय लेकिन कमाल के डिफेंडिंग महापार गेंद को और गेंद करते हुए अपने साथी के लाने के बाएं ब्रेक से गेंद को निकालने का प्रयास इस समय, लेकिन यहाँ एक बार फिर से पास पर और यहाँ दो नंबर जर्सी के लिए बहुत अच्छा मौका, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ जी नहीं एक मिनट ऐड किया एक मिनट दरकार मिला पापा पेपे को टकला रही, लेकिन अंतिम समय रह रहे टाइम सीटी।